कहते हैं अच्छाई है तो बुराई है और शैतान है तो भगवान भी होते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूं, जिन्हें देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप भी कहोगे कि हाँ सच में भगवान होते हैं। नंबर 5, कहते हैं कि बादलों को देखकर जो भी मन में सोचा जाए वही बादलों में दिखाई देने लगता है। लेकिन इस वीडियो को कार से सफर कर रहे एक लड़के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ बादलों ने मिलकर भगवान शिव की आकृति का रूप ले लिया है। नंबर 4, इस वीडियो में कुछ पुजारी शिवलिंग को दूध से नहला रहे होते हैं, तभी देखिए अचानक कैमरे में क्या रिकॉर्ड होता है। अगर इस वीडियो को धीमा करके देखा जाए तो आप देख सकते हो कि अचानक शिवलिंग पर भगवान शिव की आकृति नजर आती है। नंबर 3, आप सच्चे मन से खिलाएं और भगवान ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ऐसा ही आप इस वीडियो में देख सकते हो। एक शख्स पानी से भरी चम्मच को काली माता की जीभ के पास लेकर आता है, लेकिन कुछ ही देर में वो चम्मच पूरी तरह खाली हो जाती है, और ऐसा वहाँ पर एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। नंबर 2, ये वीडियो तेलंगाना का है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि ये नीम का पौधा जमीन के अंदर से घूम रहा है। इसे देखते ही गांव के लोगों ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, और गांव वालों का तो ऐसा भी कहना है कि ये भगवान का चमत्कार है। यहाँ तक के वैज्ञानिक भी इस पौधे को देखकर हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखिए ये पौधा किस तरह घूमता है। नंबर 1, दोस्तों ये वीडियो तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर एक पुजारी को रात में ये सपना आता है कि पास ही में नीम के पेड़ के नीचे शिव जी प्रकट हुए हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो वो पुजारी गांव के लोगों को लेकर उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वहां पर खुदाई की जाती है तो देखिए उसके नीचे से क्या निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पेड़ के नीचे से बड़ा सा शिवलिंग निकलता है, जिसे लोगों द्वारा बड़ी मेहनत और मशक्कत से बाहर निकाल लिया जाता है। अगर आप भी भगवान में बिलीव करते हो तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और आप हमारे इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी नॉलेजेबल हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।